above the law. इजरायली पीएम धीरे धीरे अपने जुबानी जंग को एक बड़े युद्ध में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजरायली पीएम ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मारने की जो कसम खाई थी उसे उन्होंने कर दिखाया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत से पूरी दुनिया में हड़कंप है। ईरान में खौफ का माहौल है तो दुनिया के कई देश चिंतित है कि मध्य पूर्व में संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं अब हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद हिजबुल्ला लड़ाकों की आंखों में अब अमेरिका खटकने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्ला संगठन को नसरल्ला की हत्या में सीधा हाथ अमेरिका का लगता है और यही वजह है कि सीरिया के पूर्वी प्रांत दयार अल जौर में अमेरिकी कब्जे वाली सेना की एक सैन्य बेस पर कथित तौर पर हमला हुआ है। अल मायादीन टेलीविजन समाचार चैनल ने रविवार को बताया कि रॉकेट और ड्रोन की बौछार ने कोनिको गैस क्षेत्र में अमेरिका ऑपरेट बेस को निशाना बनाया और सीधा हमला किया है, जिससे कथित तौर पर बेस पर बख्तरबंद इकाइयों को सीधा नुकसान हुआ। इस बीच सीरियाई मीडिया ने कहा कि अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई। आपको बता दें कि कोनिको क्षेत्र के अन्य स्थानों पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले ये नए नहीं है। यहाँ ये भी बताना जरूरी होगा कि रविवार को ही सीरिया में हुए एक हमले में 12 ईरान समर्थित लड़ाकों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के देर एजोर शहर के पूर्व में एक ठिकाने पर हुए हमले में 12 ईरान समर्थित लड़ाकों की मौत हुई है। यह इलाका इराक की सीमा के नजदीक स्थित है। हालांकि हमला कहां से हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है और न ही इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद अब सीरिया में ही अमेरिका कब्जे वाली सेना की एक सैन्य बेस पर हमला किया गया है। एक सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए शफाक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इराकी प्रतिरोध बलों ने एक ड्रोन से अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था, जिसे बिना किसी नुकसान के मार गिराया गया। रविवार को भी इराक के साथ सीरियाई सीमा के पास दयार अल जौर के अल बुकामल क्षेत्र में कई विस्फोटों की सूचना मिली थी। हवाई हमलों में इराक में इस्लामिक प्रतिरोध के सैयद अल शुहादा ब्रिगेड के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार रविवार के प्रतिरोध अभियान के बाद अमेरिकी युद्धक विमानों ने दयार अल जौर के पास 3 हवाई हमले किए। वॉशिंगटन समर्थित इजरायली नरसंहार के बीच गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इराकी प्रतिरोध बलों ने इराक और सीरिया दोनों में अमेरिकी की ओर से संचालित ठिकानों पर कई हमले किए हैं। अमेरिका की हरी झंडे के साथ इसराइल ने बीते कुछ दिनों से गाजा और लेबनान दोनों ही जगह पर अपने दुश्मनों को चून चून कर मार रहा है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में घुसकर हिजबुल्ला पर इस कदर कहर बनकर बरसा है कि हिजबुल्ला इसे कभी नहीं भूल सकता। हसन नसरल्ला की मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है।